राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव संपन्न हो गया है और इसके साथ ही पांचों राज्यों में चुनाव संपन्न हो गया। इन पांचों राज्यों के चुनाव के बाद एक सवाल उभर रहा है, क्योंकि इसमें से दो राज्यों में, खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जो है बीजेपी की सरकार थी, पिछले 15 साल से सरकार थी, और मध्य प्रदेश में तो चूंकि सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ पर 230 विधानसभा की सीटें हैं, इसलिए सबकी नज़रें मध्य प्रदेश पर लगी हुई है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल नेता एग्जिट पोल ऑन न्यूज एक्स पे जो आ रही है रिपोर्ट, जो सर्वे आया है, जो एग्जिट पोल आया है, वो कुछ हंग विधानसभा की तरफ इशारा कर रहा है। अभी तक 2013 के चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 165 सीटें मिली हुई थी और कांग्रेस को 58 सीटें मिली हुई थी, लेकिन बीजेपी की ये सीटें बहुत तेज़ी से घटती हुई सी दिख रही है। बीजेपी को इस बार जो सीटें मिलने जा रही है उसमें जो है 165 से घट करके 106 पे आ रही है, जबकि कांग्रेस जो जिसको 58 सीटें मिले हुई थी उसको 112 सीटें मिलने की उम्मीद है, और अदर्स की सीटें भी 12 होने जा रही है। और जहां तक वोट परसेंटेज की बात है तो वोट परसेंटेज जो है रहने वाला है बीजेपी का 42%, कांग्रेस का वोट परसेंटेज 1% बढ़ रहा है, वो बढ़ करके हो जा रहा है 43%, जबकि अदर्स का वोट परसेंटेज होने जा रहा है 15%। खास बात यह है कि बीजेपी को 2013 में 44.88% मिला हुआ था, वो जो है लगभग जो है 2.25% उसके वोट परसेंटेज घट रहे हैं 2.88, और कांग्रेस का जो है वोट परसेंटेज वो उसमें उछाल आने जा रहा है, 36.38 मिला था उसे 2013 में और इस बार उसे मिलने जा रहा है 43%। इस तरह से उसे लगभग जो है 6.5% का उसका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। और अदर्स के बारे में खास बात है कि अदर्स की जो है वोट परसेंटेज तो घट रहे हैं, जो उसके 18.74% मिले हुए थे वो वोट परसेंट घट करके 15% हो रहा है, और लेकिन जो है उसकी सीटें जो है 5 बढ़ जा रही है। पिछले चुनाव में उसको 7 सीटें मिली हुई थी, इस बार उसकी 12 होने जा रही है। तो अब देखते हैं, चूँकि अभी मध्य प्रदेश पर सबकी नज़र थी कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। आखिर सर्वे में तो एक तरह से एक अंदाज़ा ही होता है, वो रैंडम सैम्पलिंग वगैरह का उसमें इस्तेमाल करके किया जाता है, जो मतदाता होते हैं उनसे बातचीत करके किया जाता है कि मध्य प्रदेश क्या रिजल्ट देता है। ये फाइनल रिजल्ट आपको पता चलेगा 11 दिसंबर को, उसके बाद पता चलेगा कि किंग मेकर कौन होता है। यदि हंग की स्थिति होती है तो कांग्रेस को भी एक तरह से क्लियर कट बहुमत नहीं मिल पा रहा है, तो उसको भी दिक्कत होने वाली है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।